हाय, मेरा नाम है जानवी और मैं एक बडिंग ट्रैवल फिल्म मेकर हूँ। सो लिसन, हे, अगर आपके डिक्शनरी में क्लासिक, विंटेज, ओल्ड स्कूल चार्म, यूरोपियन हिस्ट्री, ऑफबीट प्लेसेस, सिंपल लाइफ, पाइन फॉरेस्ट, वुडन फ्रेश एयर, ये सारे भारी भारी शब्द बार बार आते हैं, देन यू हैव लैंडेड एट अ राइट प्लेस, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू सच प्लेस नेम लैंडोर। लैंडोर मसूरी से 5 किलोमीटर दूर एक छोटू सा टाउन जो इंडिया का हिस्सा होते हुए भी एक अलग ही एरा में है। लैंडोर को एक्सप्लोर कैसे किया जाए? देखो, लैंडोर पहुंचते ही मैंने तो अपने आप को बोल दिया था, बेटा जो 3 साल पुरानी फिटबिट खरीदी है ना, उसका उपयोग किया जाए, सो चुपचाप चलो। सो वैसे आप कार से भी लैंडोर एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन करना मत। अरे यार, सिर्फ हिल रोड से लिंक रोड जितना छोटू सा है लैंडोर, सिर्फ 4 दुकान और 24 मकान, बस इतना ही है हमारा लैंडोर। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वहां के लोग बोलते हैं। नाउ रहने खाने का क्या सीन है? सच बताऊं तो यही एक चीज थी जिसकी वजह से मैं लैंडोर इतना लेट गई। लैंडोर इज अ सुपर एक्सपेंसिव प्लेस। वहां पर 108 साल पुरानी एक रग्बी मैनर नाम की बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बट माय मॉम टेल्स मी बेटा पर गोए ने एटली चादर ना पावाई, आई मीन 12,000 rupees पर डे, नॉट अ बिग डील राइट? But then I've realized that who I am, big jugadu. So I did jugad and found this beautiful yet very decent hotel at Lendor Bazaar named Himalayan Castle. If you are in a mood of spending haath ka mel, then I suggest Rugby Manor is once in a lifetime experience. ओह शिट ब्रो, लैंडोर की सबसे खास बात तो बताना मैं भूल गई। पूरे विश्व में सिर्फ 2 ही जगह पर विंटर लाइन दिखती है, लैंडोर एंड स्विट्जरलैंड। बट ये जवानी है दीवानी, काफी पसंद है हमको, सो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। मैं लैंडोर सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। मॉर्निंग को 8 बजे आई स्टार्टेड वॉकिंग। फर्स्ट प्लेस विच आई फाउंड इज कॉल्ड मड कप कैफे। जितना विलायती नाम उतनी विलायती प्लेस ब्रो, आप खुद ही देख लो। Then what? I started walking again. Remember Fitbit? Then Cafe Doma in came. और पता चला रस्किन बॉन्ड महान पोएट राइटर वहाँ पर ही रहते हैं। But you know what? What's the best part about this landlord is रस्किन बॉन्ड रहते हैं। And रस्किन बॉन्ड का घर कहाँ पर है? Do you know? Exactly that. And we are going there right now. Let's see. I'm not sure. सोचा थोड़ा एडवेंचर किया जाए। आई ट्राइड टू विजिट हिम लाइक अ लिटिल गर्ल। सो दे ओपनड अप, वन लेडी केम एंड उन्होंने बोला कि वो देहरादून गए हैं। इट्स ओके, बट आई गेस you know, artist stays in his writing or in his art, so it's fine. But
I guess I did a bit adventure today. I'm happy for that. And then I started walking again. और दिखी चार दुकान. पहले वो चार दुकान थी, अब छह है. अनिल प्रकाश कैफे एंड टिप टॉप टी इज टू ओल्ड. 1910 में बनी थी. टू कूल नो. And then I started walking towards Cafe Ivy. I found it too crowded. Didn't like it that much. As honest as I can be. And then again I started walking. Enjoying fresh air, empty roads and whatnot. You know, sometimes in life, either you need a dark chocolate or a drip. I need both. And after this filmy drama, I went to this super high place called Landor Bakehouse. सच बताऊँ तो वैसे तो मैं गुजराती हूँ, लेकिन मुझे लैंडोर में जितना अमीर फील हुआ ना, उतना कहीं पर भी नहीं हुआ. Dude, what a place! पास में there is a store called प्रकाश स्टोर. उसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है. तो अपने प्यारे से अंग्रेज मित्रों ने पीनट बटर बनाने का मशीन वहाँ पर ही छोड़ दिया एंड प्रकाश फैमिली ने वो खरीद लिया. एंड तब से लैंडोर बन गया इंडिया की सबसे पहली पीनट बटर कैपिटल. यू नो व्हाट, लैंडोर के वाइब्स, वॉक, वहां की जो फील है, वो एक वीडियो में कैप्चर करना काफी मुश्किल है. फॉरगेट अबाउट डार्क चॉकलेट, डू योरसेल्फ अ फेवर, गो टू लैंडोर.